मेरे दोस्त तमाम दोस्तों को मेरा नाम है मुझे स्वाग मैन वर्ल्ड की आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। पहले तो थोड़ा सा स्केड्यूल आप लोगों से डिस्कस कर लें। फ्राइडे के फ्राइडे पेशेंस रिलेटेड मैं बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स आप लोगों से शेयर करता रहूँगा और बर्ड्स के हवाले से भी, तो स्टे ट्यून ऑन फ्राइडे। आज की वीडियो का मकसद जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। मैंने हाशिम महमूद साहब की एक वीडियो देखी 4 दिन पहले और उनके पास वही प्रॉब्लम आया PMV का जो मेरे पास लास्ट ईयर आया था, और PMV के उस इशू के बाद उनके खासे कबूतर जो हैं वो मर गए। अब ये क्यों हुआ क्या प्रॉब्लम्स थे, और आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों से सारी चीज़ शेयर की थी तो एक बात मैंने आप लोगों से की थी कि यार जो मेजर इशू है ना वो कुछ और है, वो वैक्सीनेशन सारे लोग कर रहे हैं लेकिन गलत वैक्सीन लगा रहे हैं, ये सबसे बड़ा इशू है। मैंने आप लोगों से शेयर किया था और मेरे ख्याल से वही चीज़ जो है वो हाशिम भाई के पास हुई है कि उनके पास जो वैक्सीनेशन है जो मैं पीछे जाके देखा जो वो वैक्सीन कर रहे थे वो गैलीम्यून थी, और गैलीम्यून मैं बहुत पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ उसका पिजन्स PMV यानी कि पैरामैक्सो वायरस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जनाब पैरामैक्सो वायरस जो है वो ही मेन लीथल वायरस है जो कबूतरों पर अटैक करता है और उसकी वजह से बर्ड्स मरते हैं। तो हाशिम भाई के पास जो सबसे बड़ा इशू है वो यही कि इस दफ़ा आया उनके पास PMV, इससे पहले PMV नहीं आया था। तो जब तक PMV नहीं आया था मामला दुरुस्त थे, जैसे ही PMV का अटैक हुआ है मामला जो हैं वो हो गए हैं ख़राब। अब इसका क्या हल है, ऐसा क्यों हुआ, ये करना बहुत ज़रूरी है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और दो वजूहात जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो नंबर वन तो ये कि भाई अभी भी मैं देख रहा था पिछली 2 वीडियोज़ उसमें अगेन वही चिड़ी मारी होती आ रही है जो पहले दिन से हो रही थी, वही चिड़ी मारी चलती आ रही है जो असल में प्रॉब्लम बन रही है। इन कबूतरों की डेथ का जो मेजर कॉज है वो वही चिड़ी मारी है। अब जनाब उस चिड़ी मारी को जब तक नहीं रोका जाएगा, होता क्या है वायरस कैरी करता है कबूतर बाहर से कोई ना कोई, नंबर वन पॉइंट बाहर से कोई कबूतर वायरस कैरी करता है, या दूसरे नंबर के ऊपर आप खुद वायरस क्रिएटर हैं, सबसे बड़े वायरस के जो कैरियर हैं वो आप खुद हैं, आपके दोस्त हैं। तो इसका फर्स्ट वीडियो में हाशिम भाई ने जिक्र भी किया कि उनके पास लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा है और हो सकता है कि जब वो पिछले दिनों खुद यहाँ मौजूद नहीं थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा चांस है कि उनके पास जो भी बंदा पीछे दाना पानी करने आ रहा था वो कहीं इस पोजीशन में आया है कि जहाँ पे उसने वायरस कैरी किया है उन कबूतरों के लिए। तो इट्स वेरी डेंजरस साइन, और उसी की वजह से अक्सर औकात ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अब वैक्सीनेशन भी हो रही है भाई, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कबूतर वायरस कैरी कर जाए तो अब क्या करें, अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। नॉट ए सिंगल मेडिसिन जो उसका कोई इलाज कर सके, सिर्फ एक PMV वैक्सीन ऐसी चीज़ है जो उसका इलाज कर सकती है, जो उसको इस प्रॉब्लम से निकाल सकती है। अब क्योंकि वैक्सीनेशन प्रॉपर हो नहीं रही बर्ड्स को, लिहाजा इसका कहीं पे चांस नज़र आते ही नहीं है कि जनाब कोई इस किस्म का प्रॉब्लम हो और उसको कोई मेडिसिन कवर कर ले। अब जनाब कबूतर अटैक कर गए, प्रॉब्लम्स सारे के सारे मैंने आपको बताया कि बाहर के कबूतरों का आना जाना बहुत ज़्यादा है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कॉन्टेंट ही उसके ऊपर हो रहा है, मेजर कॉन्टेंट चिड़ी मारी है तो उसको कवर कर पाना उनके लिए नामुमकिनात में से एक बात है। तो भाई अब किया क्या जाए, किया कुछ भी नहीं जा सकता उसका। 2-3 चीज़ें हैं, मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरे सेटअप के बारे में बहुत डिटेल बातचीत की है, फीडिंग सेटअप के बारे में और जो इनके मेजर प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में मैंने बड़ी डिटेल बात की है, वो आपने नेक्स्ट वीक वाली वीडियो में लास्ट भी देखना है। लेकिन इस वक्त जो इशू आया है वो क्यों आया है, जो मैं चीज़ समझ रहा हूँ, नंबर वन मैंने आपको बताया कि जो इंसान है वो खुद वायरस का सबसे बड़ा कैरियर है, ठीक है, वो सबसे पहले खुद वो वाहिद बंदा है, वाहिद चीज़ है, आपके कपड़े आपके हाथ आपका इधर उधर आना जाना ये वो वाहिद प्रॉब्लम्स हैं जो वायरस क्रिएट करता नहीं है, कैरी करता है। और वायरस जब कैरी हो जाता है और आपके लॉक पर पहुंच जाता है तो उसके पीछे फिर जनाब कोई तरीका बचता नहीं है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लॉक मैनेजमेंट है, आप देख रहे हैं हमारे पास जो फीडिंग सिस्टम है
वो किस तरह का है और लोगों के पास किस तरह का है। अब इस फीडिंग सिस्टम के अंदर कोई चांस नहीं है कि आपका दाना गंदा होकर इनको मिल जाए या कुछ इस किस्म की चीज़ हो जाए। जब ये नहीं होती तो वायरस स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। दूसरा, लॉस मैनेजमेंट में सफाई सुथराई मैटर करती है। सफाई सुथराई मैटर करती है फीडिंग के लिए ही, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब अगर फीडिंग इस तरह है जिस तरह के हमने कर रखी है, आपके सामने मौजूद है, बर्ड्स एक जगह पे आ गए हैं और ये दाना खा रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे एक जगह पे आ चुके हैं और बर्ड्स दाना खा रहे हैं, ठीक है, इसमें दाना कुछ ख़राब होने के चांसेस हैं नहीं। जब दाना ख़राब नहीं हो रहा तो कबूतर बीमार नहीं हो रहा। और अगर आपके पास वायरस आ गया है, वायरस की प्रिवेंशन होती है, प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन यूज़ होती है। वैक्सीन पैरामैक्सो वायरस की PMV वैक्सीन पाकिस्तान में तो अब तक एक ही मिल सकी है, जो लास्ट ईयर मैंने एक्सप्लोर की थी, आप लोगों से शेयर की थी। उसके अलावा पाकिस्तानी मेड कोई वैक्सीन मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज में नहीं है कि PMV की कोई और वैक्सीन हो सिवाय PMV प्लस के। और उसके अलावा वैक्सीनेशन अगर आपकी नहीं है और वायरस ने अटैक कर दिया है तो कोई हल नहीं है। 4 हफ्ते का उसका ड्यूरेशन है, उस 4 हफ्ते के ड्यूरेशन के अंदर अगर बर्ड किसी तरीके से संभल गए दैट्स फाइन, नहीं संभले तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब ये तो हो गया मामला ख़त्म कि जनाब वायरस आ चुका है, और वायरस आ जाने के बाद अब आपके पास कंट्रोल बिल्कुल उसका हो चुका है 0। अब आप क्या कर सकते हैं? अब जब ऐसे कंडीशन आ जाए तो वायरस अटैक कर चुका है और आपने कोई मेडिकेशन या आपने किसी किस्म का भी उसके ऊपर वैक्सीनेशन का काम नहीं किया है, तो आपके पास सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो है मल्टीविटामिंस और कोई ऐसी चीज़ें जो इम्यून सिस्टम कबूतरों का बूस्ट कर सके। अगर इम्यून सिस्टम कबूतरों का बेहतर चलता है तो बहुत हद तक चांस है कि कबूतर जो है वो प्रॉपर तरीके से सर्वाइव करेगा। और अगर वो नहीं करता और वो मतलब उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर सर्वाइवल के लिए कोई एबिलिटी रहती नहीं है, उसके अंदर मिनरल्स विटामिंस मौजूद नहीं है, तो कबूतर ने मरना ही मरना है। और वायरस कभी भी बॉडी के अंदर से उस वक्त तक निकलता नहीं जब तक बॉडी मरती नहीं है या वायरस को आप मार दें। वायरस मारने का तरीका कोई है नहीं, प्रोडक्शन से पहले प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन इस्तेमाल होती है। अब वो वैक्सीन फेल्ड है क्योंकि गैलिमोन यूज़ की जा रही होती है, फेल्ड वैक्सीन है, पिजन्स के लिए किसी काम की नहीं है क्योंकि वो कबूतरों के पैरामैक्सो वायरस के लिए बनी हुई ही नहीं है। तो अब वो वहाँ यूज़ होते हुए भी जब हाशिम भाई कह रहे थे कि वैक्सीनेटेड बर्ड्स हैं बट उनको इतना बड़ा अटैक हो गया, ये इस बात का सबूत है कि जनाब जब तक वैक्सीनेशन प्रॉपर आप नहीं करेंगे आप PMV से कबूतरों को बचा ही नहीं सकते। दूसरे बात पे जो लॉस मैनेजमेंट आती है वो मैंने आपको बताई, अब करने के क्या स्टेप्स रह गए वो मैं आपसे यही कह रहा हूँ। सिर्फ इंतज़ार किया जा सकता है, कोई मेडिसिन कोई एंटीबायोटिक वायरल केस के अंदर कबूतरों पर असरअंदाज नहीं होती। सिर्फ एक काम हो सकता है, वो ये है कि उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट रखा जाए ताकि वो अपने आप को जहाँ तक सर्वाइव कर सकता है वो सर्वाइव करे। जब तक वायरस को कंटेन कर रहा है पेन किलर्स दी जा सकती हैं, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कबूतरों के लिए आप कर सकें। तो हाशिम भाई मुझे शदीद अफसोस है इस चीज़ का कि आपके साथ ये सब कुछ हुआ, और बाकी तमाम लोगों के लिए भी ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो नेक्स्ट है जिसमें मैंने लॉस मैनेजमेंट के बारे में बड़ी डिटेल बात की है, वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है नेक्स्ट वीक में। और जो मेडिकेशन है उस हवाले से मैं फिर एक और वीडियो करूँगा कि PMV के प्रिवेंशन के लिए आप वैक्सीनेशन जो करते हैं वो कौन सी वैक्सीन है, और मेडिकेशन के अंदर आपके पास कौन से ऑप्शन हैं जो एज एंटीबायोटिक्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और कौन से अच्छे मल्टीविटामिन्स हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो भाई दुआ करते हैं हाशिम भाई के लिए और उम्मीद करते हैं कि उनका ये मसला हल होगा। अभी भी वो अगर चाहें वैक्सीनेशन कर सकते हैं लेकिन उसमें 80% चांसेस हैं बट ज़ाया होंगे, बट जिन्होंने बचना होगा एक बार सर्वाइव कर जाएंगे तो वो नेक्स्ट सीज़न तक सुकून में आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जनाब आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से लाजमी शेयर किया करें आप। ये चैनल सपोर्ट के लिए भी ज़रूरी है और लोगों तक सही पैगाम पहुँचाने के लिए भी ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।